आजमगढ़ जिले में आपको बताते चले कि मादक पदार्थों के कारोबार पर अभी तक लगाम नहीं लग सकी। पुलिस की कवायद को धत्ता बताते हुए मादक पदार्थ कारोबारी आज भी अपने अवैध धंधे में लगे हुए। मंगलवार की शाम निजामाबाद थाना पुलिस व एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में लगभग 3 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया। मंगलवार की देर शाम फरिहा निजामाबाद मार्ग पर स्थित शादुल्ला चक गांव के पास निजामाबाद थाने की पुलिस व एसओजी टीम ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर चेकिंग व दबिस अभियान चलाया। इस दौरान 2 DCM में लगी भारी मात्रा में मादक सामग्री गांजा बरामद किया गया। इसके साथ ही पुलिस टीम ने 2 तस्करों को भी मौके से गिरफ्तार करने में सफलता पाई। सोमवार की देर शाम पुलिस ने यह कार्रवाई की और रात भर इसे दबाए रखा। आजमगढ़ से ब्यूरो चीफ सरफराज अहमद। तस्कर का खुलासा किया, क्या है पूरा मामला? आज एक बड़ी कामयाबी आजमगढ़ पुलिस को गांजा भारी मात्रा में गांजा बरामद करने में मिली है। जो घटनाक्रम है वो ये है कि हमारे देवगांव के इंस्पेक्टर साहब अपने एक वांछित अभियुक्त को पकड़ने के लिए जा रहे थे एसओजी टीम के साथ। उनको रास्ते में इंस्पेक्टर निजामाबाद भी मिल गए, तो ये तीनों लोग एक साथ जा रहे थे, तो रास्ते एक जगह एक ट्रक से दूसरी ट्रक में सामान शिफ्ट करते हुए कुछ लोग दिखाई दिए। तो पुलिस टीम जा रही थी, उसको थोड़ा संदेह हुआ कि ये क्या मामला है। उन्होंने पूछताछ की तो पूछताछ पे वो लोग बहुत घबरा गए और उन्होंने बताया कि साहब इसमें गांजा है ट्रक में, क्योंकि NDPS एक्ट में सर्किल ऑफिसर लेवल के अधिकारी के सामने बरामदगी या तलाशी ली जाती है अभियुक्त की, इसलिए CO साहब को बुलाया गया। CO साहब ने के सामने तलाशी हुई तो एक गाड़ी में दो संदूक में दो ट्रक जो संदूक होते हैं मिलिट्री वालों के, उसमें गांजा बरामद हुआ और दूसरे ट्रक में 3 संदूक में भर के गांजा बरामद हुआ। पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि ऑन आर्मी ड्यूटी ये ट्रक पे लगा के एक ट्रक गुवाहाटी से कुछ सामान लोड किया था उसने किसी फौजी का ट्रांसफर का जो ट्रांजिट होता है उस पर। इसके बाद वो अरुणाचल प्रदेश में टेंगा नाम के एक स्थान पर गया, वहाँ से 5 संदूक जो मिलिट्री के बक्सों के जैसे ही थे जैसे मिलिट्री वाले रखते हैं उनमें गांजा लोड किया गया। वहाँ से वो वापस असम बिहार होते हुए आजमगढ़ आया। आजमगढ़ में उसे इसकी डिलीवरी देनी थी। शहदुल्ला चक स्थान का नाम है जहाँ पर ये लोग एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में पलटी कर रहे थे। जब पुलिस टीम ने इनको पकड़ा तो ये पूरी कहानी मालूम हुई और इसके बाद इनको फिर गिरफ्तार किया गया है। लगभग 309 किलो गांजा बरामद किया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत है। यही कुल घटना है, आगे हम लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये जानकारी मिली है कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो डिलीवरी ले रहा था 2 बॉक्स की, वो ले जाकर एक मुलायम नाम के आदमी को और एक मखनचू नाम के आदमी को डिलीवरी देने वाला था। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है और जो जो इसमें तथ्य आएंगे वो आप लोगों को भी अवगत कराए जाएंगे और उसके आधार पर जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी।